स्पीकर ऑन होता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लेट ऑल ऑफ यू कम, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट अवर क्लास। ओके ओके मैम। सबको आने, हाँ सबको आने दो, सब आ रहे हैं अभी, ज्वाइन हो रहे हैं। देन आफ्टर आई विल स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? मैम आई एम फाइन। आई एम फाइन। बी सेफ बेटा। ओके ओके मैम। बाहर नहीं निकलना। ओके टाइम टाइम पे हैंड वॉश करते रहना और साथ में अच्छे डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज वगैरह करना है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। मम्मी पापा को परेशान नहीं करना, मम्मी पापा लोग को हेल्प करना, ठीक है? भाई बहन है या फिर दीदी है उनका भी ध्यान रखना, मम्मी पापा का भी ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। आज जो मैं आप लोगों को बता, हाँ बोलो। यस मैम, मैं जब भी चालू करती हूँ ना जूम की मीटिंग, तो बार बार ये देता है रोज कि द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून। मैम ऐसा क्यों देता है? हाँ हाँ एक्चुअली ना जैसे मैं डालती हूँ ना, उसके 2 मिनट या 3 मिनट बाद ही, 2 मिनट या 3 मिनट बाद ही ना आप लोग ज्वाइन किया करो जब मैं डालती हूँ। क्या है ना, आप लोग तुरंत जो है ना ज्वाइन करते हो, है ना? तो तुरंत अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो वो वैसे दिखाएगा। तो जब मैं डालती हूँ, जब मैं आपको ज्वाइन करने के लिए बोलती हूँ, तो जस्ट आप लोग 10 बजे या 10 मिनट बाद, ठीक है, 10:01 में वैसे ज्वाइन करोगे तो आप लोग ऐसा नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप लोग तुरंत ज्वाइन करने की कोशिश करते हो। तब तो मैं भी ज्वाइन नहीं हो पाती, क्योंकि मेरा भी ज्वाइनिंग टाइमिंग चलता रहता है ना? ओके क्योंकि मैं पहले उसमें आप लोग, हाँ बोलो मैम। कभी कभार कनेक्टिंग नहीं दिखाते ना, तो बार बार साइड से जो स्पेस को फ्री करके करने से ना हो जाता है बार बार करने से। हाँ हाँ हाँ, स्पेस फ्री भी रखोगे और साथ में थोड़ा बहुत क्लाउडी वगैरह रहता है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम भी होता है, और कल बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो भी रहा था, ठीक है? एनीवे कोई बात नहीं, होता है, ठीक है? यस मैम, मैं इसी कारण से बहुत सारी क्लासेस मिस हो जा रही है क्या आप लोग की? यस मैम, मेरी तो बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई थी इसी कारण से। ओके ओके। हाँ, बैटरी भी अच्छे से चार्ज होना चाहिए, साथ में स्पेस वगैरह थोड़ा सा टाइम टाइम पे ना डिलीट कर दिया करो, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा आता होगा ना मैसेजेस वगैरह, तो टाइम टाइम पे जैसे संडे को बैठ गए, ठीक है, पहले पूरा नोट डाउन कर लेना जितने भी मैडम लोग वर्क भेजे रहते हैं, देन आफ्टर यू हैव टू संडे को आराम से बैठा करो और पूरा मैसेजेस डिलीट किया करो ताकि स्पेस बन सके। ओके ओके मैम। मैं तो रोज डिलीट करती हूँ। यस मैम। क्लियर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। यस मैम। ओके, तो मैंने आप लोगों को कल, यस्टरडे को आप लोगों को मैंने बताया था कि न्यूक्लियर पावर के ऊपर कल जो है, मतलब आज जो है, अपन और भी जानकारी लेंगे कि न्यूक्लियर पावर बनता कैसे है। सबसे पहली बात है, न्यूक्लियर पावर जो है वो हीट से बनता है। अब उसका जो पावर होता है, पावर प्लांट होता है, वो कहाँ पे होता है, ठीक है? वो तो आप लोगों को पता है कि पावर प्लांट ये अपने इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, ठीक है? तमिलनाडु में है, देन महाराष्ट्र में है, कोटा राजस्थान में है, देन आप उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में भी है। ओके, लेकिन ये पावर प्लांट कैसा दिखता है, ठीक है, कहाँ से कैसे जनरेट होता है न्यूक्लियर पावर? न्यूक्लियर पावर का मतलब आप समझ रहे हो ना कि जैसे भी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह हो गए हैं, ठीक है, जो हीट से जनरेट होते हैं, जिसमें हाई वेलोसिटी ऑफ वोल्टेज रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है? तो उस, हाँ बोलो। यस मैम, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ बेटा, शेयर कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। okay. अभी दिखाई दिया मैम? यस मैम। अभी हाँ, अभी देखो इसका जो प्रोसेस है न्यूक्लियर पावर का, किस से प्रोसेस कर रहे हैं, मैं आज आपको ये समझा रही हूँ न्यूक्लियर पावर, ठीक है? देन आफ्टर I am coming to the next pages reading करना है, ठीक है? अभी न्यूक्लियर पावर के बारे में अपन समझते हैं। प्रियांशु केशरवानी, क्या हो गया बेटा आपको? प्रियांशु, प्रियांशु केशरवानी, क्या हो गया बेटा? Why you raise your hand? Any problem बेटा? ओके, एनीवे न्यूक्लियर पावर का सबसे पहला प्रोसेस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है?
दिस इज प्रोसेस, ये आपका क्या है प्रोसेस दिखा रहा है आपका, तो प्रोसेस में आप देखोगे नो ग्रीन हाउस गैस एमिशन। देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी ग्रीन हाउसेस का कोई भी एमिशन जो नहीं है। देन फ्यूल इफिशियंट, यहाँ पे फ्यूल इफिशियंट के बारे में दिखाया गया है कि कितना फ्यूल होना चाहिए हमारे मतलब हमारे इसमें हमारे अर्थ में। देन आफ्टर रीसाइलेंट इन द टाइम ऑफ एक्सट्रीम वेदर, जो रीसाइलेंट होते हैं, जो अचानक अचानक बारिश होता है, ठीक है, थंडर्स वगैरह आते हैं, स्टॉर्म वगैरह आते हैं, इससे भी जो है जनरेट होता है न्यूक्लियर पावर। देन आफ्टर यहाँ पर जो है जॉब इंटेंसिव भी मिलते हैं, मतलब यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी भी रहता है, और दूसरा है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, इसमें कम कम बजट में जो है हम इसको न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, ये सारा क्या है प्रोसेस है, आपको बता रहा है कि किस तरीके से ग्रीन हाउस वहाँ पर इफेक्ट नहीं करता है, इमिशन नहीं होता है, देन फ्यूल यहाँ पर इफिशियंट होता है, ठीक है, यहाँ पर जो अचानक टाइम टू टाइम जो एक्सट्रीम वेदर जो एकदम अचानक अचानक थंडर आता है, बिजली चमकता है, उससे भी जो है न्यूक्लियर पावर जनरेट होता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये तो बेटा प्रोसेस है, अभी ये जो मैं बता रही हूँ अभी ये सिर्फ प्रोसेस है, ठीक है। अभी जो है किस तरीके से फॉर्म करते हैं मैं आपको शेयर करती हूँ नेक्स्ट पिक, ओके, नेक्स्ट पिक जो है मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जस्ट वेट। नाउ सी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे, जस्ट वेट सम स्टूडेंट्स आपके, ओके। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा जो है प्लांट रहता है। मैम इमेंशन का मीनिंग क्या होता है, बेटा इमेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज को जनरेट करना, ओके, मतलब जो टाइम टू टाइम जो इमर्शन होता रहता है ना, मतलब जनरेट करना या फिर आना, किसी चीज का आना, उसको अपन इमेंशन बोलते हैं, ठीक है, हाँ, प्रकट होना जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर। हाँ बेटा जियोग्राफी का ही है ये, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जियोग्राफी का ये पेज नंबर 34, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 का है, बट ये जो है आप लोग के बुक में नहीं दिया गया है, ये जो है मैं गूगल से डाउनलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए कि न्यूक्लियर पावर क्या होता है। तो न्यूक्लियर पावर का प्रोसेस मैंने आप लोग आपको बताया, देन न्यूक्लियर पावर का जो जनरेशन जनरेट होता है, जो लोग का जो मतलब जनरेट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, वो इस तरीके का पावर प्लांट होता है, ओके, जो ये पावर प्लांट होता है, हाँ, ये जो पावर प्लांट होता है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से हीट निकलता है, ठीक है, दिस इज अ हीट, ये जो है हीट निकल रहा है, दिस इज अ चिमनी, ये होता है 200 मीटर, 200 मीटर का रहता है, ठीक है, ओके, अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जस्ट वेट बेटा, हाँ, अभी जो है ये 200 मीटर का चिमनी होता है, ये जो चिमनी होता है, और यहाँ से हीट जो है वो कूलिंग, जो कूलिंग करने के बाद जो हीट जाता है ना पास होता है, वो यहाँ से होता है, ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये इलेक्ट्रिक के तार वगैरह हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक का तार जो रहता है हाई इंटेंशन का रहता है, एकदम हाई वेलोसिटी का रहता है। देन दिस इज द रिएक्टर, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनता है, ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर यहाँ पे जो है होता है। दीप्ति साहू क्या हो गया, दीप्ति साहू बार बार ज्वाइनिंग कर रही है फिर निकल जा रही है, व्हाट हैपेंड, ओके, एनीवे दिस इज अ न्यूक्लियर, दिस इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके। नाउ अब आप कैसे किस तरीके से ये होता है मैं आपको नेक्स्ट इमेज में दिखा रही हूँ, जस्ट वेट मैम, वो क्या होता है जो मैंने येलो कलर का एरो दिया था, रुको बेटा अभी रुको, मेरे को समझाना था उसके बाद, दीप्ति साहू बार बार क्या कर रही, डिस्टर्ब कर रही क्लास को, एनीवे मैम शायद ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी,
हाँ मैं उसको ज्वाइन कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा ना। देखो नाव जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यस जो मैम। है पावर, न्यूक्लियर पावर बनने के बाद जो है ये किस तरीके से कंक्लूजन किस तरीके से बनता है। एक्सीडेंट से कुड एमिट रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव जो मटेरियल जो है ये बनता है, मतलब ये कूलिंग सिस्टम, मतलब एक्सीडेंट कुड के बार एमिट बार रेडियो एक्टिव वो हो सिस्टम, जा रही हो। ठीक है। देन नो गुड सोल्यूशन फॉर द डिस्पोजिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट से जो भी चीजें मटेरियल निकलती है उसको हम डिस्पोज नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होती है अपने अर्थ के लिए। ओके, नाउ नॉट अ रिन्यूएबल फ्यूल सोर्स, ये जो है नॉट अ रिन्यूएबल फ्यूल सोर्स है, ठीक है। किस तरीके से आता है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज होते रहता है, ठीक है, टाइम टू टाइम अगर आप देखोगे। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, आप लोग इतना शाउट क्यों कर रहे हो क्लास में, सब लोग म्यूट रखो अपने आप को, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगी सबको। डोंट मेक नॉइस, ध्यान से सुनो, जो न्यूक्लियर पावर है वो किस तरीके से बनते हैं, जो आपका टाइम टू टाइम जो क्लाइमेट वेदर चेंज होता है, हीट जनरेट होता है, कभी देखो कि गर्मी ज्यादा हो रहा है, देन थंडर्स वगैरह आते हैं जो बिजली चमकती है, ठीक है, देन स्टॉर्म आते हैं, तो उससे भी जो है न्यूक्लियर पावर जो है एब्जॉर्ब करने का वो प्लांट जो है इस तरीके का न्यूक्लियर रिएक्टर रखता है, कुछ पैनल्स रखते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है वहां पर वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो है उसको न्यूक्लियर पावर में चेंज किया जाता है, और वो न्यूक्लियर पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी, जो हाई इंटेंशन के इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वहां पे जो इसको अब्सॉर्ब करके उसको हम लोग हमारे यूज के लिए, हम अपने घर के यूज के लिए, फिर इंडस्ट्री यूज के लिए जो हम इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ कहाँ अपने इंडिया में है बताओ, एनीबडी, मैंने आप लोगों को कल बताया था कहाँ कहाँ होता है। यस मैम, इंडिया में तमिलनाडु में है, कलपक्कम में, तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र में है, और कोटा राजस्थान में, और नरोरा उत्तर प्रदेश में, नरोरा उत्तर प्रदेश, रतनपुर उत्तर प्रदेश, और ओके ठीक है। मैं भी आप लोग को जो है यूरेनियम दिखाती हूँ, ठीक है, यूरेनियम जो है और थोरियम, ठीक है, ये दो चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ कि क्या होता है यूरेनियम, कैसे होता है, ये भी एक ना स्टोन जैसे ही होता है, ये भी जो है कि स्टोन जैसे ही होता है जिसको फिल्टर करके यूरेनियम बनाया जाता है। यूरेनियम अगर इसको फिल्टर करके अगर हम उसको बनाते हैं तो वो ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है, ओके, लेकिन उसके पहले जो डार्क ग्रीन कलर से पहले जो एक ना स्टोन होता है जिसमें यूरेनियम पाया जाता है, उससे भी जो है न्यूक्लियर पावर बनाया जाता है। आई विल शो यू, वेट, ओके मैम। देखो ये यूरेनियम है, दिख रहा है आप लोगों को, सब लोगों को स्क्रीन में? यस मैम, यस यस मैम, यस मैम, यस मैम। ये जो है यूरेनियम है, ठीक है, ये भी दिख रहा है ना आपको, स्टोन के जैसे मिल जैसे दिख रहा है, यस मैम, ये स्टोन ही है ना, हाँ स्टोन जैसे दिख रहा है, बट इसको फिल्टर करके बेटा इसका यूरेनियम बनाते हैं, ओके, ये जो है यूरेनियम है। अभी मैं आप लोग को थोरियम दिखाती हूँ, ओके, जस्ट मैम इसका फिल्टर प्रोसेस कैसा होता है? इसका फिल्टर प्रोसेस बेटा इसको भी प्लांट में ही भेजा जाता है, देन आफ्टर प्लांट से जो है इसमें जो भी देखो जैसे आयरन ओर, देखिए आप लोग आयरन जानते हो ना, आयरन कैसे बनता है, आयरन जो बनता है वो आयरन ओर से बनता है, ठीक है। अब ये आयरन ओर कहाँ पाया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे मिट्टी में, अर्थ में ही पाया जाता है, है ना, तो वो मिट्टी में ही आयरन छुपा हुआ रहता है, वैसे ही, जस्ट वेट बेटा, ठीक है, तो वैसे ही
जैसे आयरन ओर को आयरन को अलग करके और ओर को मतलब जो मिट्टी रहता है उसमें जो कचड़े चीज रहते हैं उसको हटा करके जब बनाते हैं तो आयरन बनता है, वैसे ही इसका भी सेम प्रोसेस है ओके। लेकिन इसके मशीन्स अलग होंगे, इसको गलाने का प्रोसेस जो है वो अलग होगा, ब्लास्ट फर्नेस रहता है हीट जनरेट करने के लिए, वहां पे बहुत सारी चिमनी लगाए जाते हैं ओके। तो इसमें जितने भी क्या बोलते हैं ओर रहते हैं मीन्स जो कचरा वाला चीज रहता है जो वेस्ट पार्ट रहता है उसको हटा करके उससे यूरेनियम बनाया जाता है ओके। सेम प्रोसेस और ये प्लांट में बनता है ओके। ओके मैम। हाँ, अभी मैं आप लोग को थोरियम दिखाती हूँ ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। देखो ये है थोरियम, बहुत रेयर जगह पे मिलता है, ये हर जगह पे नहीं है। मिलता है। हाँ मैम ये भी पत्थर जैसा ही होता है ना। हाँ ये भी एक पत्थर जैसे ही आकार में है ठीक है, बस इसका कलर देखोगे डिफरेंट है। वो वाला कलर तो सिल्वर सिल्वर टाइप का कलर था मींस ग्रे कलर था, और ये थोड़ा क्या रेडिश कलर में, रेडिश ब्राउन है ना उस कलर में है। हाँ तो ये भी थोरियम है ठीक है, इस ये भी थोरियम का भी ये ऐसे सिंपल, इसमें मिट्टी विट्टी भी लगा होगा, इसमें से मिट्टी को अलग करते हैं और थोरियम को अलग करते हैं ओके। ये भी प्लांट में ही प्रोसेस होता है सारा चीज, और इसका प्लांट जो बनता है ये सारा जो थोरियम बनता है यूरियम बनता है ये मैं दिखाती हूँ कि कैसे कौन सा प्लांट में बनता है। हाँ यस बोलो मैम। क्या चीज है? आवाज नहीं आ रहा बेटा आपका, आवाज कट रहा है, बोलो मैम क्या चीज बता रहे हो? ये थोरियम है बेटा, पेज नंबर 34 अपने बुक के पेज नंबर 34 में जाओ, न्यूक्लियर पावर जो पैराग्राफ है, अगर आप लोग के पास बुक है न्यूक्लियर पावर के पैराग्राफ में देखना, एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थोर, बुक नहीं है, कल जो मैं आप लोग को न्यूक्लियर पावर पढ़ाई थी है ना, तो न्यूक्लियर पावर के पैराग्राफ में जो है यूरेनियम और थोरियम है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि न्यूक्लियर पावर के बारे में हम और डिस्कशन करेंगे आज। Yes, मैं किस तरीके से बनता है, तो न्यूक्लियर पावर। हाँ बोलो। यस कनेक्ट नहीं हो रहा बेटा, मैं क्या करूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा तो बताओ, कनेक्ट नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ बेटा, नेटवर्किंग का प्रॉब्लम होता है ना कभी कभी। मेरे हाथ में नहीं है ये चीज ठीक है, मैं तो यहाँ पर एडमिट कर रही हूँ, हो सकता है उनके वहाँ पर नेटवर्क ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा उनको, है ना, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो हाँ मैम पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? पिछले क्लास में बेटा मैं ये क्या बोलते हैं चैप्टर 3 पढ़ा रही हूँ, हाइड्रल पावर, देन आफ्टर सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, जियो थर्मल एनर्जी, ये सारा चीज मैं अभी पढ़ा रही हूँ। हाँ बेटा बता रही हूँ बेटा ओके। तो न्यूक्लियर पावर जो है हमेशा याद रखना। यस न्यूक्लियर पावर में जो है हीट जनरेट, हीट बहुत ज्यादा जनरेट होता तब जाके न्यूक्लियर पावर बनता है। नाउ मैं आपको इंडस्ट्री दिखाती हूँ कहाँ बनता है, ऐसे ऐसे कहाँ पे बनता है ठीक है, ये सारा चीज कहाँ बनता है आई विल शो यू, जस्ट वेट। ये प्लांट दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। ऐसे प्लांट, हाँ ऐसे प्लांटों में देखो ये आपको दिख रहा है ना चिमनी, ये चिमनी है, यहाँ पे हीट, यहाँ से हीट निकलता है, मतलब जो कूलिंग सिस्टम रहता है ना, कूलिंग का जो हीट रहता है ना वो यहीं से पास होता है, और ये 200 मीटर का होता है कम से कम, बहुत बहुत ही ऊंचा रहता है ओके। हाँ ये जो है, हाँ ये जो है 200 मीटर का होता है, और ये पूरा प्लांट है, यहाँ पे जो यूरेनियम थ्यूरेनियम और जो है थ्योरियम और न्यूक्लियर पावर जनरेट होता है यहाँ पे ठीक है, ऐसे इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री इस तरीके से दिखता है ओके। और इसका प्रोसेसिंग का, हाँ यस मैम, ये जो फैक्ट्री है मैम ये इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया में आपको मिलेगा बेटा महाराष्ट्र में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, देन कोटा राजस्थान में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर, इसको पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन बोला जाता है इसको ठीक
है, ओके और मैम, इसी के थ्रू जो है रॉकेट, आप देखते हो कभी रॉकेट जब ओके एकदम मैम, प्रेशर के साथ ऊपर जाती है, रॉकेट कैसे जाती है? ठीक है, यही पावर के साथ ही जाती है। जब जाता है ना रॉकेट, आप देखे हो रॉकेट कभी तो नीचे से धुआं छोड़ते हुए कितना हाई स्पीड में जाता है ऊपर की ओर, है ना? तो ये सारी चीज यस न्यूक्लियर मैम, पावर के थ्रू ही होता है। देन आफ्टर स्पेस क्राफ्ट जो बनते हैं वो भी न्यूक्लियर पावर से बनते हैं। देन न्यूक्लियर जो आपका बॉम्ब रहता है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बोलते हैं ना, जिसके मतलब जिस जिस कंट्री के पास है उनके पास पावर ज्यादा होती है। तो न्यूक्लियर पावर मतलब आप एक जगह वो बॉम्ब को अगर गिरा दोगे तो वहां की पूरी मिट्टी पूरी खराब हो जाएगी, वहां के लोग पूरे खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीज से जो है बनते हैं, लेकिन हमको उसको गलत यूज में नहीं यूज करना। अपन को जो है उसको किस में यूज करना है, अच्छे चीजों में, जैसे रॉकेट बना रहे हैं, ओके इलेक्ट्रिसिटी अपन इंडस्ट्री में पास कर रहे हैं, देन स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं, देन आफ्टर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर के यूजेस बहुत सारी चीजों में यूज की जाती है। अपने व्हीकल्स में यूज होते हैं न्यूक्लियर पावर, ठीक है, क्योंकि वहां पर कुछ कुछ जनरेट तार वगैरह जो बनाए जाते हैं, ठीक है, वो जो तार बनते हैं वो भी न्यूक्लियर पावर से ही बनता है, हीट करके, हीट जनरेट करके। ओके अंडरस्टैंड मैम? ओके ओके यस बेटा, यस बेटा। मैम अभी जो है आप यूट्यूब में भी बताए थे ना पिछले वाला? नहीं, यूट्यूब में मैं अलग बताई थी बेटा, आज वाला जो है पूरा अलग है, और कल जो है मैंने बस न्यूक्लियर पावर के बारे में बताया था। आज मैं न्यूक्लियर पावर को और इलेबोरेट करके बता रही हूँ आप लोग को, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है। यस मैम, अभी मैं एक और इमेज में आपको शो कर रही हूँ, जस्ट वेट। देखो ये भी एक तो पावर पावर ये भी जो है प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से रिएक्टर वगैरह बनता है आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो स्टीम जनरेटर है, बहुत सारे जनरेटर लगते हैं हमको इस पावर में, ठीक है, जनरेटर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। तो जनरेटर देखो, स्टीम जनरेटर है, देन कंट्रोल रॉड है, यूरेनियम फ्यूल है, ठीक है। देखो यूरेनियम फ्यूल मतलब यहाँ पर फ्यूल, यूरेनियम फ्यूल लगता है, देन रिएक्टर वेसल्स है, दिखाई दे रहा है आप लोग को सबको, टर्बाइन है, यस मैम, यस मैम, पंप है, कंडेंसर है, देन कूलिंग वाटर है, फिर जनरेटर है, ट्रांसफॉर्मर है, देन आफ्टर वार्म वाटर इनलेट है, कूलिंग टावर है, दिस इज अ कूलिंग टावर एंड दिस इज अ वाटर एवोपोरेट। जो वाटर एवोपोरेट पुक जाता है ना, धुआं में उड़ता है, ठीक है, जब आप कोई भी गर्म पानी करते हो तो देखते हो ना एवोपोरेट होता है, धुआं धुआं होता है ना, तो वही होता है कूलिंग के बाद जो एवोपोरेशन होता है वो है ये चीज, ओके। देन पंप, ये पंप है, देन कोल्ड वाटर बेसिन है, कूल वाटर सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ओके ये सारे चीजें यहाँ पे लिखती लगती हैं न्यूक्लियर एनर्जी को करने के लिए, ओके दिखा सबको? यस मैम, मैम क्या बेटा क्या बोल रहे हो? आई कांट, वेसल क्या होता है? क्या क्या क्या? रिएक्टर वेसल्स, रिएक्टर वेसल्स बेटा, इसके अंदर जो है सारे रिएक्टर होते रहते हैं, मतलब सारे जो केमिकल जो न्यूक्लियर पावर जो हीटिंग वगैरह है ना, सारे उसी के अंदर डालते हैं। जैसे हम खाना पकाते हैं तो क्या करते हैं, किसी कुकर में खाना पकाते हैं तो उसमें रिएक्टर होता है ना, दाल पक जाता है, देन आफ्टर आप कोई भी चीज पकाते हो तो पक जाता है, तो वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर में भी एक तरीके से उसमें सारे यूरेनियम थोरियम इलेक्ट्रिसिटी को डाल के हीटिंग वगैरह करके उसको पकाने की कोशिश करते हैं, ओके। आवाज नहीं आ रही है, किसी किसी का माइक ऑन है, इसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है। म्यूट योर सेल्फ ना बेटा। देखो ये जो है रिएक्टर, जो इसने पूछा है बहुत अच्छा चीज पूछा, रिएक्टर वेसल्स में क्या होता है, जैसे कि हम जैसे खाना पकाते हैं कुकर में, है ना, कुकर में खाना बनाते हैं ना अपन, तो उसमें क्या हो जाता है, अपन अपन उसको कुकर को रखते हैं, अंदर में दाल रखते हैं या फिर कोई भी सामान हीट करने के लिए अपन वाटर रखते हैं, देन हीट जनरेट करते हैं। जब रिएक्टर से, स्टीम जनरेटर से या यूरेनियम फिल से, और जब उस रिएक्टर वेसल्स में डालते सारा चीज, तो उसमें क्या होता है, चीजें पकती हैं, मीन्स हीट होती हैं, हीट होने के कारण जो है वो सारे जो न्यूक्लियर पावर है ना वो बनती है। फोटो
फोटो नहीं आ रहा है मैम? आ रहा है, हाँ तो रहा है ना। मैं आपको दूसरा, आप लोग के बुक में देखो एक तो होगा न्यूक्लियर एनर्जी का जो है, देखो आपका एक तो डायग्राम होगा किस तरीके से प्रोसेस होता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, मैं आपको शो कर रही हूँ, जस्ट हाँ जस्ट वेट, मैं आप लोग को शो करती हूँ। सी ये आपके बुक का है, ओके ये आपके बुक का है, तो इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से जो है, आप इसमें देख सकते हो किस तरीके से जो है यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है यहाँ पे बन रहा है। देखो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ से हीट हो रहा है, हीट फ्रॉम फ्यूजन, ठीक है, देन यहाँ से हॉट वाटर जा रहा है, यहाँ से हॉट वाटर पास हो रहा है, ठीक है। अभी हॉट वाटर क्या हो रहा है यहाँ पे जो है, यहाँ पे हॉट वाटर क्या हो रहा है, स्टीम हो रहा है, स्टीम होने के बाद ये कहाँ जा रहा है, इस टर्बाइन में जा रहा है, दिस इज अ टर्बाइन, ओके। टर्बाइन अगर मान के चलो हीट या स्टीम जाता है ना, तो टर्बाइन के जो ये ब्लेड्स है ना ये घूमना चालू हो जाते हैं, ओके तो ये घूम रहा है, देन आफ्टर ये क्या जाना है, जनरेट हो रहा है। जब ये टर्बाइन में जाके जब ये घूम रहा है जोर जोर से जल्दी जल्दी घूम रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे जनरेटर में जा रहा है, इस जनरेटर से क्या हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है आप लोग के बुक में, देखो बहुत है ना। यस मैम, सबसे पहले यहाँ पर ये है न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ से हीट अपन नीचे से हीट करे, हीटिंग फ्रॉम फ्यूजन से अपन कर रहे हैं, देन आफ्टर यहाँ से हॉट वाटर जा रहा है, ये स्टीम हो रहा है यहाँ पर, स्टीम होने के कारण जो है ये टर्बाइन जो है बहुत तेजी से घूमता है, और जब तेजी से घूमता है तो क्या होता है यहाँ जनरेटर में जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये शालू बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको? शालू एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम शालू? देन जियोथर्मल, जियोथर्मल के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जियोथर्मल का जो प्लांट है किस तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण, ठीक है, मणिकरण का ये जो है ये प्लांट है मणिकरण में है। सेकंड है कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, अगर हम कोई कुकिंग फूड करते हैं तो ये जियोथर्मल अपन इसको यूज करते हैं। तो जियोथर्मल होता क्या है, जियोथर्मल इज इट इज अ हीट एनर्जी, ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस करता है। द टेम्परेचर इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रेस्ट स्टेडली एज वी गो डीपर, ठीक है, अगर हम किसी भी डीपर में जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो इस पिक्चर में देखो, मैं ये पिक्चर से आपको जियोथर्मल एनर्जी किस तरीके से लेते हैं, जियोथर्मल एनर्जी आपको इस पिक्चर में समझ आएगा। ठीक है, नीचे जो पिक्चर दिख रहा है ना ये वाला, ये पिक्चर से आपको समझ में आएगा कि जियोथर्मल किस तरीके से बनता है। अपन अगर कोई भी बीच बीच में कौन आ रहा है, एनीवे ये देखो यहाँ से जो आपका जियोथर्मल किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, अर्थ के अंदर जो है कुछ पाइप्स जो है उसको सेट करते हैं, देन आफ्टर जो भी उसमें से स्टीम होता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है ना वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग होता है, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है कभी, वोल्केनो आता है कभी, है ना, तो ये सारी चीजें यूज होता है। तो यहाँ पर देखोगे आपका ये स्टीम हो रहा है, ये देख रहे हो आपका स्टीम हो रहा है यहाँ पे, देन आफ्टर ये आपका वेल है, ठीक है, वेल, हाँ ये आपका वाटर है, दिस इज योर वाटर, और फिर से वही जाता है टर्बाइन में, ये फिर एकदम स्पीड में जो है ये घूमता है, देन आफ्टर ये जनरेट होता है और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आया? यस मैम, इस तरीके से जियोथर्मल जो है प्रोड्यूस होता है। हाँ बोलो। यस मैम, स्टीडली क्या होता है? क्या बेटा? मैम स्टीडली, स्टीडली मतलब जल्दी से, स्टीडली तुरंत जल्दी। ओके मैम, ओके मैम, हाँ बोलो मैम, बट जियोथर्मल एनर्जी से हम खाना कैसे बना सकते हैं? बेटा वो हीट जनरेट होता है ना, मतलब खाना बना सकते हैं, इट मींस कि वहां जाके खाना नहीं बनाते अपन, किसी इंडस्ट्री में जाके खाना नहीं बनाते, लेकिन अपन को जैसे आप रुको मैं बता रही हूँ क्या नाम है इसका, ओवन, देखियो ओवन,
यस मैम, ओवन में जियोथर्मल रहता है, हर तरफ से हीटिंग आता रहता है। हीटर देखो, हीटर, यस मैम, हीटर में क्या रहता है, रॉड रहता है, रॉड के अंदर बहुत सारे है ना, रॉड से जो है, रॉड रॉड में जो पूरे तार जो लगे हुए रहते हैं, जब अपन उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मींस जब अपन किसी स्विच को, उसको प्लग को लगा के स्विच ऑन करते हैं, तो वहां से जो वो हीटिंग होना चालू हो जाता है। ठीक है, आपको हीटर में मिलेगा, ओवन में मिलेगा। हाँ ये yes, बोलो। रॉड रेड हो जाती है, रॉड एकदम रेड हो जाती है। जैसे हीटर, एक तो अपन जो पानी गर्म करते हैं वो भी कितना जनरेट करता है, अपन इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं तो है ना, तो उससे हाँ प्रोड्यूस होता है। तो हीटर में अपन बनाते हैं खाना। हाँ बोलो मैम, स्ट्रीम मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्ट्रीम, स्टीम मतलब, स्टीम मतलब भाप देना, भाप, स्टीम भाप देना। जैसे अपन स्टीम लेते हैं ना, अपन को सर्दी हो जाता है तो अपन स्टीम बोलते हैं, स्टीम लो करके भाप लेना। ठीक है, ओके। हाँ तो इस तरीके से जो सारा चीजें होती है, समझ में आया सबको? यस यस यस। ओके चलो ठीक है, फिर आज मैं क्लास ओवर। हाँ बोलो। यस मैम, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी फिर अब हमारे घरों में आता है ना? हाँ हमारे घरों में, सोचो सिर्फ हमारा एक घर नहीं है यहाँ पे, हमारे इस वर्ल्ड में कितने सारे घर हैं, है ना, कितने सारे इंडस्ट्री है, उसमें कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगता है। आप एकदम छोटे चीज में मत सोचो, आप एकदम बड़े चीज में सोचो ना। ठीक है, हमारा एक घर नहीं है, आप उस एरिया में देखो कितने सारे घर है, और बिना इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कोई भी घर नहीं है, है ना। तो वो सारे जगह पे, हर एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचना, कितना ज्यादा उनको एनर्जी कंज्यूम हम लोग करते हैं, आवाज नहीं आ रहा, तो कितना ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पड़ता होगा, सोचो इंडस्ट्री को, जो थर्मल पावर है, न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, कितना ज्यादा हीट जनरेट करना पड़ता है वहां पे, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है, हम जो ये डेली जो यूज कर रहे हैं, सोचो एक घर में नहीं, ये इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है, हम डेली पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हैं, देन हम जो है रॉकेट, स्पेस, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, देन आफ्टर बॉम्ब बनाने में, देन आफ्टर जो वॉर में जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं, सारी चीजों में अपन उसको यूज करते हैं, तो उसमें कितना ज्यादा अपन को लगता है, सोचो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जो है इसी से जो है हमारा जो है न्यूक्लियर पावर एनर्जी लगता है। ठीक है, ओके, एनी एल्स? यस मैम, यस मैम। तो मैं अभी क्लास यहाँ ऑफ करती हूँ, कल मैं जो है लास्ट पेज जो है समझाना है आपको, पेज नंबर 36, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। ओके ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके नाउ बेटा क्लास, ओके बेटा। मैम अभी डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन का थर्ड एंड फोर्थ हो गए ना? हाँ थर्ड एंड फोर्थ, हाँ ये सिद्ध में आज। ठीक है जनरेटर, yes? मतलब जनरेटर मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जनरेटर जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको जनरेटर बोलते हैं। ओके मैम, आवाज नहीं आ रही, कट कट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके बाय।